हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एटीट्यूड्स ऑफ द सेफ्टी ऑफिसर। सेफ्टी ऑफिसर के क्या क्या एटीट्यूड्स होते हैं, ठीक है? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। जो साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने क्या इसको एक्सप्लेन कैसे एक्सप्लेन किया है, और जो काफ़ी सारे रिसर्चर्स हैं, इवन दो भगवत गीता से भी लिया गया है। इसके लिए अगर आपको और डीपली पढ़ना है तो आप लोग KU मिस्त्री के बुक जाके पढ़ सकते हो, ठीक है? तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। एटीट्यूड ऑफ द सेफ्टी ऑफिसर। टू एलैबोरेट द रोल मेंशन इन द फॉरगोइंग पैराग्राफ 24 पार्ट 8-2 सम फिलोसॉफिकल एंड साइकोलॉजिकल एटीट्यूड एंड क्वालिफिकेशन क्वालिटीज नेसेसरी फॉर अ सेफ्टी ऑफिसर आर गिवन बिलो। ये KU मिस्त्री के बुक से लिया गया है, वही मेंशन किया गया है कि अगर आप इसमें पढ़ना चाहते हो तो उसके पैराग्राफ में दिया हुआ है। और अच्छे से, ठीक है? उसके बाद लिखा है कि गिवन बिलो, ऑलवेज सर्च फॉर अ नॉलेज, ऑलवेज सर्च फॉर अ नॉलेज, दिस इज़ द बेसिक टूल इन आवर कंट्री, द इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉलेज इज वेल रिकॉग्नाइज सिंस एज। हमेशा नॉलेज के बारे में सर्च करते रहो, कहते हैं ना, जहाँ कहीं से भी मिल जाए, क्योंकि एक ये बेसिक टूल होता है एक तरीके से। एज के साथ इम्प्लीमेंट, कहते हैं ना, एज के साथ अपने आप को अपडेट करते रहो। लेट सपोज अगर आप 10 साल की एज में, 10 साल की एज है, और वही चीज़ अगर आप सोचोगे जब आप 25 साल के हो जाओगे, तो फिर सोचोगे कि मैं 10 साल का चीज़ें पढ़ूँ तो आपको कैसा लगेगा। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो तो एक अपने आप को अपडेट करते रहो, अपने आप को इम्प्लीमेंट करना सीखो, ठीक है? और जहाँ कहीं से भी ज्ञान हो सके वो ले लो। सेकेंड है, दिस स्टेटेड दैट द नॉलेजेबल मैन इज ग्रेटर देन अ किंग, बिकॉज किंग इज रिस्पेक्टेड इन हिज किंगडम, वाइल द नॉलेजेबल मैन इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। ये एक साइंटिस्ट ने कहा है कि नॉलेजेबल जो पर्सन होता है, इंसान होता है, वो हर जगह पूजा जाता है, वो राजा से भी बड़ा माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो राजा होता है वो अपने राज्य में पूजा जाता है केवल, लेकिन जो नॉलेजेबल पर्सन होता है वो पूरे जगह, हर जगह, एवरीवेयर वो पूजा जाता है, ठीक है? उसके बाद लिखा है, ही हु हैज़ नो नॉलेज इज़ नॉट बेनिफिटेड बाई बुक्स, फॉर अ मिरर इज़ ऑफ नो यूज़ टू हिम हु हैज़ नो आइज, हु हैज़ नो आइज, हैबिट्स आर मैनी, सॉरी, हाँ यहीं तक है अभी, ठीक है? हु हैज़ नो नॉलेज मतलब जिसके पास कुछ नॉलेज नहीं है, मतलब उसने बुक का बेनिफिट नहीं किया है, मतलब अपने आँखों का इस्तेमाल, जैसे बुक पढ़ते हैं हम लोग, क्या होता क्या है अक्सर कि जैसे हम लोग बुक पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ तो लेते हैं पर हम उसका बेनिफिट, कहते हैं ना, जब पूछा जाता है तो इंसान बता नहीं पाता। तो इसका मतलब हम एक तरीके से, जो हमारी आँख है एक तरीके से मिरर का काम करती है, तो जो आदान प्रदान होता है बुक से सीधे हमारी आँखों, तो हमने कहीं ना कहीं उस बुक का सही से इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है? या फिर अपने कह सकते हैं अपने आँखों का सही से इस्तेमाल नहीं किया है, मिसयूज़ किया है हमने अपने आँखों, ठीक है? ये भगवत गीता में भी काफ़ी सारे श्लोक लिखे हुए हैं इससे रिलेटेड, अगर आप प्रिफर करना चाहते हो तो वो कर सकते हो KU मिस्त्री, ठीक है? उसके बाद लिखा है, हैबिट्स आर मैनी, हैबिट्स आर मैनी बट ओनली टू आर इम्पॉर्टेंट, अ हैबिट्स ऑफ लर्निंग और अ हैबिट्स ऑफ सर्विंग द फीट ऑफ द गॉड। देखो, लिखा है भगवत गीता में ही लिखा है कि बहुत सारी हैबिट होती हैं, लेकिन दो ही हम इम्पॉर्टेंट होती हैं। कौन कौन से? एक लर्निंग, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्ट, लर्निंग की आदत बनाओ, और एक हैबिट ऑफ सर्विंग द फीट ऑफ द गॉड। एक हैबिट ऑफ सर्विंग, सर्विंग की आदत बनाओ, मतलब किसी को ज्ञान देने का बनाओ, एक सीखने का और एक ज्ञान देने का, या फिर किसी गुरु के चरणों में अपने आप को, जैसे मान लो, अब ज्ञान कहाँ से आएगा? जब आप क्या करोगे, अपने सीनियर से, मतलब अपने शिक्षक से, अपने गुरु से सीखोगे, तब आपको क्या आएगा, ज्ञान मिलेगा। उसी ज्ञान को आप क्या करोगे, आप लर्न करोगे, और जब लर्न करोगे तो आप क्या करोगे, उसको सर्व करोगे, ठीक है? ये एंड नाउ हाउ टू नाउ
हाउ टू एक्वायर दिस नॉलेज, दिस इज़ अ वेल एक्सप्लेन बाई गीता एज नोइंग बाई लर्निंग. गीता में यह बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मैंने अभी बताया. अगर आपको पढ़ना है तो बिल्कुल आप गीता पढ़िए. आपका जो मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं, लीडरशिप क्वालिटी जो हैं, वो अपने आप डेवलप होगी. आप एक बार गीता को अच्छे से पढ़िए, ठीक है? ज़्यादा नहीं, डेली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. सिंपल आप 1 घंटे 1 घंटे आधा घंटे तो आप वैसे ही वेस्ट करते हैं, तो आप उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. ऐसा अगर आपको लीडरशिप क्वालिटी इम्प्रूव करनी है, ऐसा मैनेजमेंट क्वालिटी इम्प्रूव करनी है, तो उसमें लिखा है नो इट बाई लर्निंग डाउन. देखो, इंट्रोगेटिंग एंड सर्विंग द गुरुज मैन ऑफ नॉलेज हु विल इंडक्ट दैट नॉलेज इन टू यू. देखो लिखा है, यही चीज़ लिखा है, नो इट बाई लर्निंग डाउन, इंट्रोगेटिंग द सर्विंग द गुरुज मैन ऑफ नॉलेज हु विल इंडक्ट द नॉलेज इन टू यू. जितना आप गुरु की सेवा करोगे, जैसे कहते हैं ना, बुजुर्गों के साथ रहा करो, गुरुओं के साथ रहा करो, तो हम आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी. तो ये वही चीज़ मेंशन किया कि जितने आप बुजुर्गों के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ, जैसे कि जो महात्मा होते हैं उनके साथ, वैसे आपको नॉलेज मिलेगा. कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत. जैसे जैसे आप संगत करोगे वैसे वैसे आप होते जाओगे. इसीलिए कहा गया है कि आप जैसे जैसे लोग साथ, अच्छे लोगों के साथ रहोगे, तो आप अच्छा नॉलेज आपको प्राप्त होगा, आप अच्छा नॉलेज ग्रहण करोगे. देखो, अब दो ये हो गया, ये फर्स्ट का पूरा था, ठीक है, नॉलेज सर्च करने तक का था, कहाँ कहाँ से मिल. अब सेकेंड है, एक्चुअली यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, हेल्प है, हेल्प कर लेना, ठीक है. हेल्प ऑफ टीचर प्रीचर इज़ यूजफुल टू इंटरप्रेट द नॉलेज. देखो, हेल्प ऑफ टीचर, टीचर का, अगर टीचर की आप सहायता करते हो तो बहुत ज़्यादा वो क्या करता है, उपदेश देने का काम करता है एक तरीके से. देखो क्या लिखा है, अ टीचर इज़ अ ग्रेटर देन द गॉड बिकॉज इट इज़ द टीचर हु सोड द गॉड. एक टीचर ही होता है जो भगवान को दिखाने का रास्ता बताता है, ठीक है? तो आप जितना ज़्यादा आप रिस्पेक्ट करोगे, वो कहीं ना कहीं आपको मिलता है, ठीक है? तो जितना ज़्यादा रिस्पेक्ट दोगे, आप टीचर की हेल्प करोगे, तो वो आपको क्या करेगा, सिखाएगा काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है? तो वही आपको एक तरीके से रास्ता बताएगा. तो काफ़ी सारे जो सेफ्टी के टर्म्स एंड कंडीशन हैं, काफ़ी सारे जो नॉलेज हैं, टीचर ही सिखाएगा आपको, ठीक है? ये होगा सेकेंड. थर्ड, आफ्टर एक्वायरिंग द नॉलेज वर्क विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन. एग्जाम्पल ऑफ ए क्लब इज़ एग्जाम्पल ऑफ ए क्लब इज़ आई ओपनिंग. यहाँ गैप एक्चुअली, हाँ, आई ओपनिंग. डू एवरी थिंग केयरफुली नाइसली एंड होल हार्टली. उसने क्या बताया है कि कोई भी आप नॉलेज गेन कर लेते हैं, उसको प्राप्त कर लेते हैं, तो उसको एक तरीके से अपने काम को फुली कंसंट्रेशन, जैसे मान लो आपने डिग्री किया, कुछ भी किया, जैसे आप प्रैक्टिकली कुछ चीज़ परफॉर्म करने जाते हैं, तो जैसे आपने जो पढ़ा है कुछ भी चीज़ें, तो उसके बाद आप फुली फोकस्ड हो जाइए उस चीज़ पे, कंसंट्रेशन लगाइए. जैसे आपने एग्जांपल बताया, एक क्लब ने क्या किया था, सीखा था, उसके बाद उसने जब निशाना साधा था, ठीक है, तो वो केवल एक आंख की चिड़िया, बाकी जो और भी काफ़ी सारे उसके मतलब कि शिष्य थे, लेकिन वो नहीं कर पाए थे, ठीक है? तो इसलिए कहा गया है, कोई भी काम करो आप फुली कंसंट्रेशन के साथ करो, ठीक है, केयरफुली करो, नाइसली एंड दिल से करो. फोर्थ वन है, मेक फुल यूज़ ऑफ द लाइब्रेरी, रीड मैक्सिमम बुक एंड रिपोर्ट ऑन द सेफ्टी, गेन द वर्किंग एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन दैट नॉलेज. लिखा है, अब जैसे लाइब्रेरी रहती है, हम लोग क्या करते हैं, मिस यूज करते हैं. लाइब्रेरी में गए, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो बताया है कि जैसे आप लाइब्रेरी में जाते हो तो फुल आप अच्छे से प्रॉपर आप यूज़ करना सीखो. आप जितना ज़्यादा बुक पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा बुक पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जब बुक पढ़ते हैं तो केवल बुक ही नहीं पढ़ते हैं, आप सामने वाले जो भी एक्सपर्ट है, जो साइंटिस्ट है, आप उसके साथ एक तरीके से उसका पूरा नॉलेज आपको प्राप्त होता है, ठीक है? उसका पूरा लाइफ का एक्सपीरियंस आप जस्ट 1 घंटे 2 घंटे में आप उस चीज़ को गेन कर सकते हैं, ठीक है? तो बुक पढ़ना ज़रूरी नहीं है कि बुक पढ़ने से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है. आप सोचो, पूरे साल का एक्सपीरियंस आप उसके ले रहे हो,
उसने पूरे साल का एक्सपीरियंस जिसमें शेयर किया है, पूरे सेफ्टी के बारे में जिसके बारे में भी है वो मेंशन किया, वो आप जस्ट कुछ पलों में ही उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा बुक पढ़ेंगे, वैसे भी जितना ज़्यादा बुक पढ़ेंगे ऑब्वियसली जितना जा उतना ज़्यादा नॉलेज आएगा, और जितना ज़्यादा नॉलेज आएगा ऑब्वियसली यू वुड बी द एज अ प्लेयर ऑफ द वर्ड्स एंड प्लेयर ऑफ द एवरीथिंग लाइक नॉलेज। आप अच्छे से उस चीज़ को वर्डिंग के साथ आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकोगे, आप लोगों को समझा सकोगे। ठीक है, तो हो सके तो जितना ज़्यादा आप बुक पढ़ने की कोशिश कीजिए। फिफ्थ वन में क्या बताया है, हैव अ ट्रेमेंडस सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड वर्क हार्ड टिल द गोल इज़ रीच्ड। आप बिल्कुल ट्रेमेंडस कॉन्फिडेंस लाइए अपने, जैसे आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपके अंदर ये एटीट्यूड होना चाहिए कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस लाएं और हार्ड वर्क करें जब तक आप गोल पे नहीं पहुंचते। कहा जाता है ना कि आप पेशेंस, एक तरीके से कॉन्फिडेंस तो रखें लेकिन पॉजिटिव वे में, और उसको हार्ड वर्क करते रहें हमेशा। ठीक है, एज अ पॉजिटिव वे रखें, प्लस हार्ड वर्क करते रहें, और धैर्य अपना कहते हैं ना, पेशेंस नहीं खोना चाहिए इंसान, ठीक है, जब तक आप गोल तक नहीं पहुंचते। दिस इज़ द वनली वे टू एनी सक्सेस, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। अब वही चीज़ होता है एक तरीके से, सक्सेस तक पहुंचने का वही रास्ता होता है। तो एक काफ़ी सारे जो रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी अब जैसे फेलर और जो सक्सेस है ना, उन्होंने को उनको क्या किया है, इन्होंने एक्सप्लेन किया है कैसे। देखो, एक रिसर्चर ने बताया है, इट इज़ ओनली 3 फीट वॉज रिप्लाइड बाई द हाँ, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलर, सो दे हैव मेंशन इट इज़ ओनली 3 फीट वॉज रिप्लाइड बाई द यंग अमेरिकन इंजीनियर हु ड्रिल्ड 3 फीट। एक अमेरिकन यंग इंजीनियर थे, उन्होंने 3 फीट तक ड्रिल किया एंड मोर रिसीव बाय द गोल्ड माइन। देखो, अब उसके लिए एक अमेरिकन जो यंग इंजीनियर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अब वो जैसे कि मेहनत कर रहे थे, हार्ड वर्क, अब उन्होंने सक्सेस को कैसे एक्सप्लेन किया कि केवल 3 फिट का डिस्टेंस है सक्सेस और फेलर के बीच। मतलब उन्होंने जब ड्रिल किया तो उन्होंने देखा कि केवल 3 फिट बचा था गोल्ड पाने में, गोल्ड्स माइंस के लिए। सोचो, एक ये हो गया, दिस इज डिस्टेंस ओनली वन स्ट्रोक एज इट वॉज प्रूव्ड बाय द महाराणा प्रताप। एक स्ट्रोक केवल उन्होंने सक्सेस को ऐसे एक्सप्लेन किया है कि दिस डिस्टेंस इज ओनली वन स्ट्रोक, एक स्ट्रोक ही था जो महाराणा प्रताप के द्वारा, जो हल्दी घाटी में जो युद्ध हुआ था उनके द्वारा कहा गया। दिस डिस्टेंस इज ओनली 5 मिनट एज द सक्सेस वॉज सीन बाई द कैप्टन नेल्सन। कैप्टन नेल्सन बाई वेटिंग फॉर अ 5 मिनट्स ओनली, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस एक्सप्लेन बाई द मार्शल फॉक्स इज दैट सिंपली डिटरमाइंड नॉट टू बी डिफीटेड। अब अलग अलग जो हैं काफ़ी सारे, इनके हिसाब से जैसे मान लो, लेट सपोज आप हार्डवर्क करना स्टार्ट करते हो, अब लेट सपोज आपके समय में इतना, मतलब कि आपके जो जीवन में कभी कभी ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन आता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा विपरीत स्थितियाँ, ऐसे मतलब कि अनकंफर्टेबल कंडीशन क्रिएट होती है, सिचुएशन क्रिएट होती है, और उस सिचुएशन में क्या है, बिल्कुल उस सिचुएशन में आपको बिल्कुल सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है। तो सोचो, आप भी एक्सप्लेन करोगे कि सक्सेस एंड फेलर का बीच का डिस्टेंस केवल था रात, और जैसे कि मान लो रात को आप सोए और सुबह पता चला आपको मेल आया और आपने मेल पढ़ा कि फाइनली यू गॉट सेलेक्टेड फॉर सो सो वट एवर यू हैव अप्लाइड इन अ लास्ट टाइम वट एवर द कंपनी। ओके, तो आप अपने हिसाब से उस चीज़ को एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट जो साइंटिस्ट थे, डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने अपने अपने हिसाब से सक्सेस और फेलर के बीच का डिस्टेंस इन्होंने शो किया है। उसके बाद लिखा है, आफ्टर गेनिंग नॉलेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस एज अबव प्रोसीड टू इम्प्लीमेंट द नॉलेज ऑफ द सेफ्टी। अब जैसे आप नॉलेज गेन करते हो, ठीक है, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अबव, जैसे जैसे आप नॉलेज गेन करते हो और सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है अपने आप एक तरीके से बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि अब आपको नॉलेज मिल गया है इसका मतलब ये नहीं कि आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके उसको आप
अपने हिसाब से अपडेट करना सीखो, इम्प्लीमेंट करते रहो, ठीक। ये एक सेफ्टी ऑफिसर का एक एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है ये। फिर सेवेंथ है, इंसिस्ट मोर ऑन इंजीनियरिंग कंट्रोल, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट शुड बी ए लास्ट रिसॉर्ट, सच एटीट्यूड्स आर मोस्ट और मोस्ट एक्चुअली यहाँ मिस प्रिंट है, सच एटीट्यूड्स कहाँ गया, सच एटीट्यूड्स हाँ मोर सॉरी मोस्ट, ये यहाँ नहीं है, केवल मोस्ट बस है, मोस्ट यूजफुल, ये भी गलत हो गया, यूजफुल तो सॉरी फॉर इसको आप सीख ठीक कर लेना, सच एटीट्यूड्स आर मोर यूजफुल, ठीक है, सच एटीट्यूड्स आर मोर यूजफुल टू ऑल सेफ्टी पर्सनल सक्सेस इन देयर वर्क एंड लाइफ। अब ये जो जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन, जितने भी पॉइंट बताए मैंने, ये सेफ्टी एटीट्यूड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं, और आप हर वक्त आपकी लाइफ में कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप एज अ स्टूडेंट हो तो आप अभी भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो लास्ट में जो सेवेंथ बताया, इंसिस्ट मोर ऑन इंजीनियरिंग कंट्रोल, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट शुड बी द लास्ट रिसॉर्ट। इसमें बताया है कि जैसे आप इंजीनियरिंग कंट्रोल वगैरह का इस्तेमाल करते रहो, ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते रहो, काफ़ी सारे चीज़ हैं सेफ्टी एटीट्यूड्स के, ठीक है। तो आप इनमें से जो 7 पॉइंट बताए मैंने टोटल, ठीक है, तो ये 7 पॉइंट आपके जो सेफ्टी एटीट्यूड है सेफ्टी ऑफिसर का, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके पर्सनल इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो आप चीज़ें याद रखना। थैंक यू एवरीवन। कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कीजिए।